मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ SPPS इन दिस वीडियो फॉर 11th क्लास इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। टुडे आई विल टीच यू कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज। तो सामान्य पोस्चर भाव मुद्रा की डिफॉर्मिटी क्या होती है, देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटी आर डिस्क्राइब बिलो। ये निम्नलिखित मीन्स की वर्णन किया गया, दे आर ऑफ फाइव काइंड्स, वे पाँच प्रकार के होते हैं। पहली स्पेशनर कलगेचर, दूसरी फ्लैट फुट, तीसरी नॉक नी, चौथा बिलो लेग्स, पांचवा राउंड शोल्डर। तो फर्स्ट वन आई विल टीच यू, ये क्या होती है, स्पिनर कर्वेचर, स्पिनर कर सी यू आर कर्वेचर, ये क्या होता है, देखिए दिस टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू द स्पाइन, इस प्रकार की अपंगता स्पाइन रीढ़ की हड्डी संबंधित होती है। दिस डिफॉर्मिटी का इस डिफॉर्मिटी को उत्पन्न किया जाता है बाज कैरिंग एक्सेसिव वेट, अत्यधिक वजन ले जाकर बी एंड बंड कैपेसिटी, किसी भी क्षमता से परे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में बी कैंड से हम कह सकते हैं दैट की वीक मसल्स काउज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिनल कर्वेचर, जो कमजोर मांसपेशियाँ ये स्पिनल कर्वेचर को उत्पन्न करती हैं। द नॉर्मल नंबर स्पाइन इज करेक्टराइज की विशेषता होती है ये मॉडरेट एंटीरियर हाइपर टेंशन कर्व। व्हेन व्यूड लिटरेचर से साफ रूप से देखा जाता है देयर इज नो एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड, कोई एक उचित स्टैंडर्ड नहीं होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ द एंटीरियर कर्वेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल लंबर कर्व्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पिनल कर्वेचर, तो तीन प्रकार के ये होते हैं, इसमें पार्ट हो जाएंगे आपके। पहला होता है काइफोसिस, काइफोसिस के बाई पी एच ओ एस आई एस, काइफोसिस क्या होता है, देखिए काइफोसिस इम्प्लाई एन इंक्रीज और एक्सेजरेशन ऑफ द बैकबोन और द पोस्टेरियल कर्व और ए डिजीज और ए डिक्रीज और ए रिवर्जर ऑफ द फॉरवर्ड कर्व। इट इज आल्सो कॉल्ड राउंड अपर बैक। डिप्रेशन ऑफ द चेस्ट इज द कॉमन, जो डिप्रेशन होता है चेस्ट का वो सामान्य इन्हें काइफोसिस में होता है। काइजी जो काइफोसिस क्या होते हैं, इसमें बता क्या कारण होते हैं काइफोसिस के, काउजे जो काइफोसिस, देखिए काइफोसिस काउज्ड, इसको उत्पन्न किया जाता है बाय मेल्यूट्रिशन कुपोषण द्वारा, इलनेस बीमारी, क्राउडेड एरिया, अनएबिलिटी ऑफ प्योर एयर, इनसुफिशियंट एक्सरसाइज, रिकेट्स, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन सोल्जर्स, अनसुटेबल फर्नीचर्स, वीक मसल्स, साइनेस अमंग गर्ल्स, हैबिट्स ऑफ डूइंग वर्क बाई लर्निंग फॉरवर्ड ईटीसी। इसके प्रिकॉजन भी बताऊँगा, व्हाट इज प्रिकॉजन, प्री मीन्स पहले से सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। प्रिकॉजन्स देखिए, प्रिकॉजन्स क्या होते हैं, इफ स्पेसिकल प्रिकॉजन्स आर नॉट फॉलो, अगर खास प्रिकॉजन नहीं फॉलो किया जाता है तो इट मे रिजल्ट इन काइफोसिस, ये काइफोसिस परिणाम दे सकता है। सो इसलिए द टीचर्स एंड पेरेंट्स, अध्यापक और माता पिता शुड पे स्पेशल अटेंशन, उन्हें खास ध्यान देना चाहिए एज टू अवॉइड द डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही दे शुड टीच, उन्हें सिखाना चाहिए अप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ सिटिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग टू चिल्ड्रन, सो दैट इससे कि देयर पोस्चर में रिमेन बैलेंस्ड। प्रॉपर एंड एडिक्वेट एक्सरसाइज इज नॉट ओनली हेल्पफुल, ये सहायक नहीं होती इन मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर बट आल्सो कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ काइफोसिस। इसके रेमेडी बताऊंगा क्या इलाज होते हैं, रेमेडीज देखिए, द फॉलोइंग एक्सरसाइज शुड परफॉर्म फॉर द रेमेडी ऑफ काइफोसिस के लिए परफॉर्म की जा सकती हैं, कौन कौन से होते हैं ये पॉइंटम लिखोगे आप। पहला होगा सिट इन अ चेयर, एक कुर्सी में बैठिए सच दैट योर हिप, इस प्रकार के आपके हिप शुड टच द बैक, पीठ को छूनी चाहिए ऑफ द चेयर। व्हाइल लुकिंग अपवर्ड, ऊपर देखते समय होल्डिंग योर हैंड, अपने हाथों पर बिहाइंड द बैक
इन सच ऑब्वियस तरीके से दैट योर सोल्जर्स में रिमेन स्टेज, आपके कंधे हैं वो स्टेज रहे बैकवर्ड, रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर टाइम सम टाइम, इसी अवस्था में कुछ समय तक रहिए। सेकेंड होगा ऑलवेज कीप ए पिलो, हमेशा एक तकिया रखिए हैं अंडर योर बैक, अपनी पीठ के नीचे बाहर स्लीपिंग सोते समय। बेंड योर हैंड हेड, अपने सर को झुकाइए बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन। फोर्थ होगा परफॉर्म ए धनुरासन द योगा आसन रेगुलरली। फिफ्थ होगा लाई डाउन ऑन योर बैक, अपनी पीठ के बल लेट जाइए, कीप योर हैंड नियर द सोल्जर, अपने हाथों को कंधों के पास रखिए। नाउ स्ट्रेटन अप योर आर्म, अपनी भुजाओं को सीधा करिए स्लोली धीरे धीरे, एंड राइज द चेस्ट, और छाती को उठाइए। हीट शुड बी कीप बैकवर्ड, जो हेड होता है उसे पीछे को रखना चाहिए। मेंटेन दिस पोजिशन फॉर समटाइम्स। सिक्स हो जाएगा इसका होल्ड आउट योर आर्म, होल्ड आउट मतलब पकड़िए अपनी भुजाओं को एट द सोल्जर लेवल, एंड बेंड योर नी एल्बो, अपनी कोहनी झुकाइए। स्नैप योर एल्बो बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन। रिपीट दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट 8 टाइम्स फॉर द बेस्ट रिजल्ट, तो अच्छे परिणाम के लिए इस रिपीट एक्सरसाइज को काफ़ी बार रिपीट करिए। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टॉल्ड यू ए कॉमन पोस्चर इन्फॉर्मेटिव, इसमें पहला बताया है कि क्या होते ही बताया हुआ, ये 5 प्रकार होते हैं। तो पहला है इसका स्पिनल कर्वेचर, इसमें भी 3rd टाइप होते हैं, 3 काइंड होते हैं। काई पोसिस मैंने बताया, इसके काउज क्या होते हैं, फिर काउजेंस क्या होता है, रेमेडीज क्या होते हैं। विच यू विल राइट ऑल इन योर कॉपी बाई लिसनिंग माई स्पीच, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स।